Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे. So आज का वीडियो होने वाला है एक क्विक सा रिव्यू. So कुछ टाइम पहले ना मैंने शॉपिंग की थी फ्रॉम स्विस ब्यूटी. नाउ स्विस ब्यूटी ऐसी ब्रांड है ना जिसका नाम सुन के मुझे लगता है कि अगर इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है. लाइक अगर आप कुछ अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो, ज़्यादा ही पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, तो स्विस ब्यूटी जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए. तो मैंने ना अभी मंगवाए थे स्विस ब्यूटी के लूज फॉइल पिगमेंट्स. तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है एक्चुअली ने मंगवाए हुए, एंड वीडियोस में ना मैं इन्हें यूज़ भी कर चुकी हूँ. सो मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा रिव्यू इसका शेयर कर देती हूँ, सो दैट आपको अगर हेल्प हो जाएगी अगर आप सोच रहे हो इन्हें परचेज करने का. सो ना ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा, 3 ग्राम आपको प्रोडक्ट इसमें मिल जाएगा, एंड ये रिटेल करता है फॉर 230 रुपीज़, बट आपको हमेशा ऑन सेल ये 180, 160 और 140 का भी मिल जाएगा. सो मैंने ये परचेज़ किया था नायका से, एंड मैंने ना इसके 3 शेड्स मंगवाए थे, एंड सारे शेड्स ना आपको इस तरह की जो पैकेजिंग है इससे विजिबल हो जाएंगे. सो मैंने ऑर्डर किया था ये शेड 10, एंड उसके बाद मैंने मंगवाया था शेड 07, एंड उसके बाद मैंने मंगवाया था शेड 11. तो अभी ना मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ. 3 शेड्स जो मैंने मंगवाए थे, एंड अंदर से कुछ ऐसे, ये वाला जो शेड है कॉपरिश रोज गोल्ड टाइप शेड है, दिस इज़ गोल्डन, और एक गोल्डन आता है बहुत ही चटकीला सा येलोइश गोल्डन, बट ये वाला जो गोल्डन है ना काफ़ी प्यारा एंड काफ़ी रिच गोल्डन कलर है ये वाला. उसके बाद मैंने मंगवाया था ये सिल्वर ग्रेश कलर. ये सारे मेटालिक शेड्स थे. मैं आप सबका ना आपको अपनी हैंड पीस वॉच दिखाती हूँ, उसको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इन एक्चुअली पिगमेंट्स आपके स्किन के ऊपर कैसे दिखाई देंगे. स्वॉच करने वाली हूँ ये शेड 07. आप इसको ब्लेंड कर लोगे ना तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लगेगा. वॉच करने वाली हूँ शेड 11. तो ये है 3 शेड्स, पर मैं आपको अपनी आईज पे ट्राई करके बताती हूँ, एंड मैं अप्लाई करने वाली हूँ शेड 11. सो आप इसको फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी. मैं फिंगर से करके बता रही हूँ आपको. ये यू गाइस कैन सी कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड कितना ज़्यादा पिगमेंटेड ये पिगमेंट है. इसकी पिगमेंटेशन को थोड़ा इंटेंसिफाई करना चाहते हो ना तो आप इसमें अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे मिक्स कर सकते हो, एंड उसके बाद भी लगा सकते हो. तो उसके बाद ना ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड काफ़ी मेटालिक एंड ईजी टू अप्लाई हो जाता है. सो नाउ यू गाइज कैन सी कि इसको जो मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ लगाया था उसकी पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, एंड और ज़्यादा ये प्रिटी दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अब. सो मुझे तो ये प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस इसके जो शिमर्स है काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, काफ़ी फाइन है, बिल्कुल भी इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है. अगर आपको थोड़ा सा चंक इसमें दिखाई देना तो उसको पहले अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा रब करके अच्छे से वॉर्म कर दो, तो उसके जो चंक्स होंगे ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, एंड आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. या आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड जो भी मेन चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दैन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Bye-bye.